हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह आपको बताऊंगी आज इंटरजेक्शन के बारे में। ये पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट हिस्सा है और मैं बताऊंगी आज आपको कि इंटरजेक्शन को हिंदी में कहते क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। इंटरजेक्शन को हिंदी विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में उठने वाले भावों को अचानक प्रकट करता है, जिसे इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक काव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओह वाओ एलास हुर्रा एटिस। इसका एक सेंटेंस है ए एलास वी लास्ट द मैच। इसमें एलास दुखी प्रकट कर रहा है। बी है हुर्रा टुमारो इज हॉलीडे। इसमें प्रसन्नता प्रकट कर रहा है हुर्रा। अब है टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन। उपयुक्त इंटरजेक्शन को निम्नलिखित तरीके से विभाजित किया जा सकता है। जैसे है जॉय में है हुर्रा, ग्रीफ में है एलास, सरप्राइज में है हा व्हाट आह ओह, अप्रूवल में है ब्रेवो और एप। निम्नलिखित सब समूहों का भी सडन फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे है आह मी फॉर सैम वेल डन गुड गुड गॉड हैवेंस एटीसी। इसका एग्जांपल है पहला एलास ही इज डैड, इसमें दुखी प्रकट कर रहा है। दूसरा है हेलो हाउ आर यू। तीसरा है आह हीज मदर डैड, इसमें भी दुखी प्रकट कर रहा है। चौथा है लुक हाउ हीज सिस्टर। पाँचवा है गुड बाय फ्रेंड। छठा है ओह यू आर लेट, इसमें सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित प्रकट कर आश्चर्यजनक। सातवां है गॉड हेवेंस व्हाट इज द मैटर। आठवां है हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, इसमें खुशी प्रकट कर रहा है। छठवां है हस डोंट मेक इन वाइज, इसमें गुस्सा प्रकट कर रहा है। दसवां है हेल व्हाट आर यू डूइंग हियर, इसमें पूछ रहा है। अब है दिस दैट दिस दोज का प्रयोग। दिस मतलब यह तथा दैट का वह का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, जबकि दिस यानी ये दोज यानी कि वे का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ होता है। यानी कि दिस तथा दैट का प्रयोग सिंगुलर और देज और दोज का प्रयोग प्लूरल में होता है। जैसे इसका है दीज और देज निकटता दर्शाने वाले तथा दैट और दोज दूरी दर्शाने वाले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस इज ए ब्यूटीफुल फ्रॉक, इसमें दिस एक वचन है और ये निकटता यानी नज़दीकी दर्शा रहा है। दूसरा है दैट इज एन ओल्ड मैन, इसमें दैट भी एक वचन है लेकिन दैट क्या कर रहा है दूरी दर्शा रहा है, दूरी प्रकट कर रहा है। तीसरा है सी दीज मैंगोज आर स्वीट, इसमें दीज बहुवचन है और लेकिन ये नज़दीकी दर्शा रहा है। डी है दोज ग्रेप्स आर सावर, इसमें दोज बहुवचन है और दूरी दर्शा। प्रथम और द्वितीय वाक्य में दीज तथा दैट दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त हैं, लेकिन द्वितीय तथा तृतीय वाक्य में दीज और दोज दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं क्योंकि इनके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। अब है माई आवर योर हिज हर इट्स डियर का प्रयोग। ये पोजेसिव केस के प्रोनाउन है, ये एक वचन या बहुवचन के साथ प्रयोग होकर उनसे संबंध दर्शाते हैं। जैसे एग्जांपल है पहला माई सन इज वेरी स्मॉल, इसमें माई। दूसरा है योर पेन इज लॉस्ट, इसमें योर का प्रयोग हुआ। तीसरा है हिज मदर इज इल, इसमें हिज। चौथा आवर स्कूल ऑन द मैच, इसमें आवर का प्रयोग हुआ। पाँचवा है द डॉग वॉक्स इट्स टेल, इसमें इट्स का प्रयोग हुआ। अब है इज इवरी का प्रयोग। इसका प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, लेकिन इवरी का प्रयोग सदैव दो या दो से अधिक के लिए नहीं होता है। सॉरी हम लिखना भूल गए हैं, प्रयोग के लिए नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज प्रेजेंट, इसमें ईच का प्रयोग हुआ है, इसमें दो या दो से अधिक के लिए हुआ है। अब है एवरी सीट वाज ऑक्युपाइड, इसमें तीसरा है इट रेंस एवरी डे। अब आल बोथ का प्रयोग। आल का अर्थ है सब, जबकि बोथ का अर्थ है दोनों। इसका एग्जाम्पल है ए All the children of this class are playing, इसमें all का प्रयोग हुआ है मतलब children, this playing, इसमें बहुवचन है। तीसरा भी है both Hari and Karim are strong, इसमें both का Hari and Karim दो लोगों का संबंध दर्शा रहा है, इसमें दो लोगों का प्रयोग हुआ है both। अब है either और neither का प्रयोग। either का अर्थ है दोनों में से कोई भी, जबकि neither का अर्थ है दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल है A either Geeta or Maya will go with me, इसमें either गीता और माया, इसमें या तो गीता या तो माया। बी है neither गीता nor माया came to me, इसमें न तो गीता न तो माया came to me। सी है either car will do, तीसरा डी है neither car will do। अब है मेनी मच का प्रयोग। मेनी संख्या प्रकट करता है, जबकि मच परिणाम प्रकट करता है। मेनी संख्या प्रकट करता है कितने लोग हैं कितना नंबर है, जबकि संख्या परिणाम रिजल्ट प्रकट करता है। इसका एग्जाम्पल है ए There are many children in the garden, यहाँ कई सारे बच्चे थे, तो संख्या प्रकट कर रहा है। बी है There are much water in the tank, इसमें परिणाम मतलब रिजल्ट प्रकट कर रहा है।